नमस्कार मित्रांनो, मी डीजे कैलास आणि स्वागत आहे तुमचं माझ्या जमच्याचं नाव डीजे कैलास मेंगाल ऑफिशियल। सो मित्रांनो, आजचा स्पेशल व्हिडिओ माझ्यासाठी अजून खूप डीजे वाल्यांसाठी जे डीजे गाणं रिमिक्सिंग करून यूट्यूब वरती अपलोड करतात। आज स्पेशली व्हिडिओ पूर्ण बघा, जे डीजे गाणे बनवतात त्यांनी व्हिडिओ प्लीज पूर्ण बघा, स्किप करू नका मध्ये कुठेही। आणि हा व्हिडिओ थोडासा ऍडजस्ट करा, हिंदी मध्ये होणार आहे। सो थोडासा इंट्रो फक्त मी मराठी मध्ये सांगितलंय टाइम लाईन फक्त समजण्यासाठी। सो पूर्ण व्हिडिओ हिंदी मध्ये होणार आहे, थोडासा ऍडजस्ट करा मित्रांनो। तर चला हा व्हिडिओला सुरुवात करूया। सो मित्रांनो, आज का व्हिडिओ है वो मेरे जैसे और भी डीजे वालों के लिए, क्योंकि मैं भी खुद एक कंटेंट बना रहा हूं, आप लोग भी कंटेंट बना रहे हो, लेकिन यूट्यूब के प्रोग्राम पॉलिसी के अनुसार, मतलब यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी के अनुसार के लिए वो आपका कंटेंट जो है वो यूट्यूब के लिए, मतलब यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी के लिए बराबर है या नहीं, वो भी ये वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। सो गाइज वीडियो पूरा देखो। गाइज आप यूट्यूब पर टाइम निकाल के सॉन्ग्स बना रहे हो, रिमिक्स कर रहे हो और उसका वीडियो टाइप बना के अपलोड भी कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई फेमस होने के लिए यूट्यूब पे सॉन्ग डाल रहा है तो उसका मेहनत गाइज वेस्ट है, वेस्ट मेहनत वेस्ट है। क्योंकि मैं खुद चार साल स्ट्रगल किया हूँ यूट्यूब पे, जो मेरा कंटेंट पहले था और अभी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है यूट्यूब के प्रोग्राम पॉलिसी के अनुसार। जैसे अभी मेरा कंटेंट है वो कंटेंट यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी के एक्सेप्टेड है, वो मतलब वो कंटेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं यूट्यूब वाले। सो गाइस आप इतना टाइम दे रहे हो यूट्यूब के लिए, मतलब आप सॉन्ग्स रिमिक्स कर रहे हो, उसका वीडियो एडिटिंग करने के लिए वो टाइम निकाल रहे हो, मतलब आपका कम से कम एक घंटा तो उसमें जाता होगा एडिटिंग, सॉन्ग क्रिएटिंग, बाद में वीडियो एडिटिंग और वो अपलोड करना, मतलब टाइम वेस्ट जा रहा है आपका। आप क्या कर रहे हो मालूम है? मैं भी कर रहा था, आप ही नहीं मैं भी कर रहा था। आप सॉन्ग्स रिमिक्स कर रहे हो, वो किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप उसको MP3 टाइप वीडियो टाइप बना रहे हो, खाली सॉन्ग डाल के अपना। सो गाइस उसमें क्या है, वो कंटेंट रीयूज कंटेंट में जा रहा है, आपका जो कंटेंट ऐसे बन रहा है ना वो रीयूज कंटेंट में जा रहा है। आप खाली सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हो और उसका वीडियो बना रहे हो, तो ये वाला कंटेंट पूरा के पूरा रीयूज कंटेंट में जाता है। सो गाइस आपका पूरा टाइम वेस्ट जाता है इसमें, आपका कोई भी मेहनत का सफल नहीं मिलता है आपको। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसमें फायदा क्या, खाली आप फेमस हो रहे हो, बाकी आपको क्या मिल रहा है? कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप खाली फेमस के लिए क्यों यूट्यूब पे आते हो यार, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। आप यूट्यूब पे आ रहे हो, अच्छा कंटेंट ला रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा से ज्यादा दो मिनट फेस कैम करो या 2 मिनट अपना फेस कैम का वीडियो रिकॉर्ड करो, नहीं तो पूरा वीडियो में थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट अपना खुद का वॉइस डालो, तो वो हो गए यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी के अनुसार कंटेंट। मतलब वो आपको यूट्यूब पॉलिसी सपोर्ट कर सकते है वो कंटेंट को। लेकिन ये मैं अभी जो पहले बताया, आप सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हो, उसका वीडियो बना रहे हो, ऐसे ही उसमें ना ही कुछ आपका फेस इंटरफेस है, ना आपका फेस का वीडियो है, ना आपका वॉइस है उसमें, तो ये वाला कंटेंट पूरा रीयूज कंटेंट में जाता है, आपका मेहनत पूरा वेस्ट है, उसमें कोई फायदा नहीं है। खाली आप फेमस होने के लिए करो तो ठीक है, जिसको फेमस होना है वो करे, लेकिन इसमें कोई आपको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि आपका कंटेंट ही रीयूज कंटेंट में जाएगा। मैं खुद 4 साल स्ट्रगल किया इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि किसी, मतलब वो बोलते हैं ना, किसी के ऊपर गुजरते हैं तो उसको मालूम पड़ता है। तो ऐसा है गाइस, आप कंटेंट इतना मेहनत कर रहे हो कंटेंट बना के, लेकिन वो कंटेंट रीयूज कंटेंट में जाए तो क्या फायदा उसका, मतलब उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको। खाली आप जाते हो, टाइम वेस्ट जा रहा है अपना खुद, आपका टाइम ही वेस्ट जा रहा है उसमें। सो गाइस कुछ ऐसा करो सभी डीजे वालों के लिए जो यूट्यूब पे सॉन्ग अपलोड करते हैं। सो गाइस कुछ ऐसा करो, 2 मिनट आपका फेस का वीडियो, 2 मिनट आपका फेस का वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें बीच बीच में एडिट में डालो, नहीं तो 3 मिनट या 4 मिनट आपका खुद का वॉइस उसमें इंटरफेस करो कि मैंने ऐसा ऐसा
सॉन्ग रिमिक्स किया है, ये इसके ये इफेक्ट डाले, ये बीट्स वगैरह यूज किए, ये फिल्टर रिमिक्सर फिल्टर यूज किए, ऐसा कुछ बताओ तो आपका प्रोग्राम यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी को कंटेंट सपोर्ट कर सकता है। नहीं तो गाइज आपका पूरा मेहनत वेस्ट है। आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था, आप एफएल स्टूडियो में सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हो, उसका MP3 लेके काइन मास्टर में वीडियो टाइप बना रहे हो, लेकिन वो पूरा कंटेंट रियूज कंटेंट में जाता है यूट्यूब के। ये आप ध्यान में रखो, चार बार अभी तक बोल चुका हूँ मैं, आपका जो मेहनत है पूरा वेस्ट है गाइज। अभी भी वक्त है गाइज, जो भी नया यूट्यूबर मतलब यूट्यूब पे डीजे वाला नया अभी शुरुआत की है जिसने, वो खास करके ध्यान रखे, रियूज वाला कंटेंट मत बनाइए। अपना थोड़ा कंटेंट बनाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सॉन्ग रिमिक्सिंग छोड़ दो, बनाओ आप सॉन्ग रिमिक्सिंग करो, लेकिन उसमें 2 या 3 मिनट का आपका खुद का इंटरफेस मतलब खुद का फेस कैम वीडियो टाइप बनाओ, और थोड़ा सा उसमें डीजे सॉन्ग का आपके इंट्रोडक्शन भी दो, क्या ऐसा ऐसा किया है मैंने ये सॉन्ग में, रिमिक्सिंग ये इफेक्ट बीट यूज किया है। तो गाइस ठीक है ना, ऐसा कंटेंट अगर आपका बनेगा तो यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी भी आपको सपोर्ट करेगी, और आपका कंटेंट भी रियूज कंटेंट नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? तो गाइस ये मेरे ये वाले बात से जो जो भाई सहमत है प्लीज कमेंट करो, क्योंकि गाइस मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनको पता नहीं है, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि मैं खाली रिमिक्स कर रहा हूँ सॉन्ग, और काइन मास्टर में या कोई सा भी सॉफ्टवेयर में जाके उसको वीडियो टाइप बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी मेरा 4 बार मोनेटाइज फेल हुआ है, 4 बार यूट्यूब मोनेटाइज फेल हुआ है। सो गाइस ये वाला मैं जो कर रहा था कंटेंट, तो पूरा के पूरा 4 ही बार रियूज कंटेंट में गया मेरा। मतलब ऐसे सब लोग मेरे से और भी लोग बनाते हैं ऐसा कंटेंट कि खाली एफएल स्टूडियो में सॉन्ग रिमिक्स करते, उसको काइन मास्टर या कोई सा भी सॉफ्टवेयर में वीडियो टाइप बना के अपलोड करते, तो उसका फायदा क्या है गाइस? फेमस के लिए क्यों, लेकिन आपका में जो टाइम है वो क्यों वेस्ट आप कर रहे हो? थोड़ा सा उसमें थोड़ा और मेहनत करो, कंटेंट बनाओ अच्छा अपलोड करो, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब गाइस मैं भी अभी जो भी बोल रहा हूँ, जो भी समझ में आ गया होगा जिसको भी डीजे वाले को, जिसको यूट्यूब पे करियर करना होगा, यूट्यूब पे जर्नी करनी है, सो अच्छा कंटेंट बनाओ यार। मतलब आप सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करो, थोड़ा आप टाइम तो दे रहे हो यूट्यूब को, तो खुद का रियली कंटेंट बनाओ यार, रील्स कंटेंट मत बनाओ। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट में भी बोल देना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सो गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और जो भी बंदे देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ऐसे और भी कंटेंट मतलब वीडियोस में लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, चलते गाइस, टाटा।